मुंशी, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आओ। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिने सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय गुरु महाराज। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गा वही वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। मतलब माता पार्वती को स्वीकार है कि सत्संग का मिलना सबसे बड़ा लाभ है। जो बात जिनको स्वीकार हो, वो काम करने से वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चूँकि सत्संग माता पार्वती को भी पसंद है, भगवान शंकर के दृष्टि में सत्संग सबसे बड़ा लाभ है, तो यदि कोई नवरात्र में माता दुर्गा के नाम पर, माता पार्वती के नाम पर सत्संग करे, तो माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। पूजा तो बहुत तरह से लोग कर रहे हैं, अभी आप लोग जानते ही होंगे, एक व्यक्ति चित्त लेटा हुआ है, मोबाइलों में देखते होंगे, चित्त लेट करके अपनी छाती में, देखे होंगे आप लोग, अपने छाती पे कलश रखे हुए हैं और उसका वजन भी दिया है कितना किलो का है। अब वो 9 दिन तक न कुछ खाएंगे और न कुछ पिएंगे, और जौ लगा दिया, इधर उधर जौ छिड़क दिया, अब वैसे ही रहेंगे। तो वो भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कितना उपवास रख करके, कितना फलाहार रह करके दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, कितना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन दुर्गा माँ सबसे ज़्यादा किन पर खुश होती हैं, इनको भी समझिए। सबसे ज़्यादा किन पर प्रसन्न होंगी? सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जो सत्संग करते हैं, क्योंकि माता दुर्गा की दृष्टि में सत्संग सबसे बड़ा लाभ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भौतिक विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको विद्यासागर की उपाधि मिली हुई थी और उनके नाम पर एक रेलवे स्टेशन भी है, विद्यासागर। विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखकर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज मैं साक्षात विद्या के सागर से मिल रहा हूँ, विद्या के सागर से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, हम विद्या के सागर हैं लेकिन भौतिक विद्या के सागर हैं। अब भौतिक सागर का जल जो होता है वो खारा होता है, उसको कोई पीता नहीं है, लेकिन आप अध्यात्म विद्या के सागर हैं,
आपके ज्ञान को पान करते भी हैं लोग, और जो पान करते हैं अमृतमय ज्ञान, वो कल्याण को भी प्राप्त करते हैं। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वेद के बहुत से ऋचाओं को उनके सामने पढ़ा, और रामकृष्ण परमहंस कहते थे इसका बंगला में अर्थ बताओ। और जब वह वेद की ऋचाओं का अर्थ बोलते थे तो वो कहते थे देखो इसका भाव क्या है मैं बताता हूँ, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। और किस स्थिति की बात है, ऋषि कौन सी अवस्था में ये अनुभव करके बोल रहे हैं, वो उसको एकदम साफ साफ समझा देते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अभिभूत हो जाते थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति एक विद्या विशारद को, भौतिक विद्या के विशारद को, सत्संग ध्यान करने वाले पूरा का पूरा खोल करके वैदिक ऋचाओं के अर्थ बता देते थे। रामकृष्ण परमहंस गुरु महाराज से आए थे, कबीर साहब की वाणी पर पीएचडी कर रहे व्यक्ति, उन्होंने गुरु महाराज जी से बहुत सारे सवाल पूछे, तो गुरु महाराज जी उनको सारे सवालों को समझाए और अंत में कहा कि सुनिए, दूसरे से समझ बूझ के कबीर साहब की वाणी पे, आप संत वाणी पर आप पीएचडी तो कर लीजिएगा, डिग्री आपको मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, भौतिक संसार सुखी भी हो जाएगा, लेकिन जब तक किसी संत सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के अंतर साधन नहीं करोगे, तब तक अध्यात्म विद्या का एक बूंद भी आपके अंदर में नहीं जाएगा, आपकी स्थिति कलछुल सी ही बनी रहेगी। जैसे कलछुल के संबंध में कहा जाता है कि सभी व्यंजनों में चलता हुआ वह कलछुल किसी व्यंजन का थोड़ा भी रस नहीं जानता, स्वाद नहीं जानता कि कौन मीठा कौन तीता कौन खट्टा, कौन जो छह तरह के जो स्वाद होते हैं उनमें कौन से स्वाद का है, उसका टेस्ट कलछुल को नहीं पता चलता है। उसी तरह से आप सुन के समझ कर टीकाएँ लिख कर डिग्री ले लीजिएगा, लेकिन अध्यात्म विद्या का जो रस है, आनंद है, वह आप बिल्कुल ही नहीं जान पाइएगा। इसीलिए किसी संत सदगुरु की सदयुक्ति लेके साधन कीजिए, ये सारी वाणियाँ आपको अपने आप ही अनुभव में आ जाएंगे। और ये बात उस लेखक ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है, बीत गई पर बीत न पाई में, उसने गुरु महाराज जी के बहुत से वार्ता और उनके साथ हुए चमत्कारों का वर्णन भी किए हैं। जो गुरु महाराज, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सभी संत कबीर की सभी वाणियों को अनुभव कर लिए हैं साधन करके, ध्यान सत्संग करके? तब गुरु महाराज जी ने कहा, वो लिखते हैं कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा कि हाँ, आपको यकीन अगर नहीं है तो आजमा सकते हैं, आजमा सकते हैं। और वो पुस्तक है कुप्पा घाट में, वो कहते हैं कि जब मैंने ऐसा वो कहे और उसके बाद मैं अविश्वास पूर्वक उठा और उनके चरण जैसे ही हमने छुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे बिजली का किसी बड़े 440 वोल्ट के नंगे तार को छू दिया हूँ, इतना जोर से शरीर में झन्नाटेदार झटका मारा, लगा मैं गिर जाऊंगा। महर्षि में ही जी मुस्कुराए और हमको मानो कह रहे हों कि अब विश्वास हुआ ना, 440 वोल्ट लगा तो विश्वास हुआ। तो देखिए, गुरु महाराज जी के संबंध में उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है, उन सभी महापुरुषों के बारे में वो लिखे हैं जिन जिन से वो मिले थे, राजेंद्र प्रसाद से लेके बहुत 20-25 बड़े बड़े उस समय के जो ऊंचे पदों पर थे या बड़े कोई महात्मा थे, कोई महापुरुष थे, उनके साथ जो उनका मिलना हुआ, उनके साथ संवाद हुआ,
जो कुछ भी उनको अनुभव हुआ उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। उसमें गुरु महाराज जी के संबंध में भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, वो ये भी है। तो अनुभव ज्ञान होगा जब आप ध्यान सत्संग करेंगे। साधना में मंत्र जाप और इष्ट रूप का ध्यान है। गुरु महाराज जी कहते थे ये कहीं भी हो जाएगा, जिनका ठीक ठीक जप होगा उसको ठीक ठीक मानस ध्यान भी होगा, और ठीक ठीक मानस ध्यान अगर होगा तो आपको हमेशा अपने इष्ट के रूप का अनुभव होगा। मंत्र जप कीजिएगा, मंत्र की सिद्धि होगी, स्वतः मंत्र जप होगा, और मंत्र जप जैसे शुरू कीजिएगा इष्ट रूप का दर्शन शुरू हो जाएगा। अभ्यास बहुत करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ेगा, पर अभ्यास करने वाले को अवश्य ही प्राप्त होता है जो अभ्यास करते हैं। आगे की जो साधना है, जो परमात्मा को जान सकें, उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं जिसको बिंदु और नाद की साधना कहते हैं। ये गुप्त मत है। गुरु महाराज जी कहते हैं आंख बंद करने पर जो ये अंधकार देखते हो, मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के बाद एकाग्र चित्त होकर के अपने अंदर के इस काले बादल रूपी अंधकार को देखो, ध्यान से देखो, और अनेक तरह के तुम्हारे चित्त में रूप आएंगे, लेकिन किसी भी रूप का, किसी भी तरह के दृश्य का जो आपके अंदर में आए, ख्याल में आए, दर्शन में आए, उन सब को अपने, उन सब को हटाओ और एक टक दृष्टि रखना है। कहाँ पे रखना है? दोने ना बिच सन्मुख देख, दोनों आँखों के मध्य में सामने गुरु निर्दिष्ट स्थान पर अपने दृष्टि को समेट करके रखो। किस तरह से रखो? सुई अग्रदर ले लही, जैसे सुई के मानो नोक पर दृष्टि हो। बिना जाने नहीं कीजिएगा, ठीक ठीक समझ के कीजिएगा, और नहीं तो आँख खराब हो जाएगा। और जान के कीजिएगा तो कमाल का अंदर का आँख खुल जाएगा। तो एकाग्र चित्त होकर के बिना आँख पे जोर डाले सहज ढंग से पलक को गिराकर और दो नैना बिच सन्मुख देख, उस अंदर के अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखते रहना है। और किसी तरह का कोई रूप सामने आए सब को हटा देना है। चौभुज और अष्टभुज जो अथवा अनेक भुज जो, सबसे सूरत को हटाकर एक बिंदु में रमा दो। बिंदु रूप के लिए आग्रह पूर्वक देखते रहना है, और जैसे बिंदु प्राप्त हो जाए तो एक दोनों दृष्टि की धारें जब एकाग्र हो जाएंगी, ये अतिशय अभ्यास से होगा। दृष्टियों का अभ्यास अति ही करते करत कपनी सहज छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। बार बार दृष्टि को टिका के वहां पे रखना है, ख्याल हटे फिर लगाना है, टिकाए रखना है। दृष्टि टिकेगी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जब दोनों दृष्टि धारे स्थिरता के साथ एकाग्र होगी, दसवां द्वार में केंद्रीभूत होगी, तो आपको अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। वह बिंदु प्रवेश द्वार है, प्रकाश का प्रवेश द्वार है। जो उसको दृष्टि से पकड़ लिया, उसके दर्शन होने से दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे याजग सुख तुच्छ कर लेके होत महाधुन अनहद केरा सुरत सुनत सुरत सुखलहत घनेरा, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंतर धस के देख तमाशा मन का अपने अंदर में,
जो परमात्मा की सूक्ष्म जगत में लीलाएं हो रही हैं, उन लीलाओं का दर्शन, अनेक तरह के अनहद ध्वनियों का श्रवण, अनेक तरह के लोक लोकांतरों का दर्शन होता है, एक नई दुनिया के दर्शन, और वो सुखमय दुनिया जिसको देख करके जीव एकदम से आनंद से भर जाता है। परिणाम ये होता है कि स्थूल संसार का आकर्षण खत्म हो जाता है। वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, शादी कुमारी लड़की को समझाओगे कि माँ बाप का स्नेह छोड़ दो, एक दिन छोड़ना होगा, तो वो नहीं छोड़ सकती, लेकिन जब उसका विवाह कर दोगे तो कुछ दिन उसका ससुराल के प्रति अपनत्व हो जाएगा, तो बुलाओगे भी तो मायके वो ज़्यादा समय के लिए नहीं आ पाएगी, कहेगी हमारा वहाँ बिगड़ जाएगा। उसी तरह से अभी जो अंधकार में है, इंद्रिय जनित सुखों को जानते हैं, उनका मन, उनकी दृष्टि स्थिरता को प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल होती है। वो संसार के विषयों के आकर्षण को कितनों समझा दोगे, लेकिन वो ज्ञान बहुत देर तक टिकता नहीं है। ये श्रवण ज्ञान की बहुत छोटी सी सीमा होती है। अवसर आने पर इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार चूक हो जाती है, लेकिन खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार, लेकिन जब नौ द्वारों से सूरत सिमट के दसवें द्वार में चली जाती है, अंदर का सुख उसको मिलता है, ज्योति का दर्शन होता है, नाद का, अनहद नादों का श्रवण होता है, उसका जो सुख है, उस सुख में जो विशेष आकर्षण है, वो स्थूल जगत के विशेष सुख से असंख्य गुना ज्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से विशेष सुख का आकर्षण उसके अंदर से चला जाता है। और ऐसे साधक जो होते हैं, वे नवधा भक्ति की छठी भक्ति है, ऐसे साधक जो होते हैं, परमात्मीय प्रेम उनके अंदर में जग जाता है, परमात्मा पाने की लालसा जग जाती है, और राम आ जाते हैं, राम के प्रति प्रेम आ जाता है, गहरा प्रेम, संसार सुख से सहज उनको वैराग हो जाता है, और भक्ति उसके अंदर में दृढ़ हो जाती है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों के धर्म में स्थिर हो गया वह कभी चूक नहीं कर सकता, कभी गिर नहीं सकता, कभी पाप में नहीं जा सकता। तो भक्ति में उसकी दृढ़ता हो जाती है, जब ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों उसके अंदर में दृढ़ हो जाते। तो सीधा सा भाव यही है, इसको समझ लीजिए कि भक्ति ऐसी हो कि जिस भक्ति से परम प्रकाश की प्राप्ति हो, और ऐसा प्रकाश जिस प्रकाश को पाले या जिस प्रकाश में रहने पर आप अज्ञानता से ऊपर रहें, फल क्या होगा आप सुनिएगा। जो वैशेषिक दर्शन के आचार्य थे महर्षि कनाद एक लंगोटी पहनते थे, पात्र कुछ नहीं था, करपात्री थे, जो मिला खा लिए, आप दिए खा लिया, कोई बर्तन वगैरह कुछ रखते नहीं थे, एक लंगोटी पहन करके बस चलते थे, यही उनका परम वैराग्य जीवन था। कहते हैं कि एक बार एक राज्य के सीमा में वो प्रवेश किए और एक राजा के यहाँ अतिथि, एक राजा के राज्य में जाकर के वृक्ष के नीचे जंगल के बाहर अपना आसन जमा करके साधन करने लग गए महर्षि कनाद। वो राज्य के राजा जो थे वो बड़े उदार प्रकृति के थे, रथ पे बैठ के मंत्री के साथ भ्रमण करते रहते थे। तो उधर जाते हुए एक दिन उन्होंने देखा, राजा ने, वृक्ष के नीचे एक नंगा व्यक्ति बैठा हुआ है। मंत्री को राजा ने कहा, बताइए, हम समझते थे हमारे राज्य में किसी को कम से कम आवश्यकताओं की
कोई कमी नहीं है भोजन वस्त्र और आवास की, लेकिन ऐसा दरिद्र आदमी वस्त्र तक शरीर में नहीं है, छत नहीं है सिर पर, और कुछ खाने पीने के सामान तक पास में नहीं है। ये लीजिए 100 स्वर्ण मुद्राएं, उसको दे आइए और कहिए कि अपने लिए वस्त्र की, भोजन की और एक छोटे से रहने की जगह का व्यवस्था कर ले। मंत्री उतर के गए और जाके उनके चरणों में रख के निवेदन किया कि राजा, आपकी इस दरिद्रता पर द्रवित होकर के आपकी सेवा में ये 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं राजा। कहा राजा हैं? तो कहा हाँ। कहा ऐसा करो कि राजा को जाके कहना कि किसी गरीब को दे दे, किसी गरीब को दे दे। मंत्री जाके कहा महाराज नहीं लिए। कहा क्या बोला? कहा राजा को कह दो जाकर कि किसी गरीब को दे दे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। राजा स्वयं उतर के आए, कहा 500 स्वर्ण मुद्रा ले लो। 100 कम लग रहा होगा कि राजा के 100 दे रहे हैं, तो 100 500 ले लो और चलो। तो रथ में स्वर्ण मुद्राएं भर के चलते थे राजा, 500 स्वर्ण मुद्रा लेके गए और कहा ये लो 500 स्वर्ण मुद्रा, 100 कम पड़ रहा था तो अब तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए ना, सब व्यवस्था कर लोगे ना। कहा अरे राजन, मैंने एक बार कहा ना कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी गरीब को दे दो, तो आप क्यों लेके आए? कहा कमाल आदमी हो भाई, मैं पूरे राज में घूम घूम के देखता हूँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके शरीर पे वस्त्र ना हो, जिसको खाने के 10 दिन के लिए कम से कम अनाज ना हो, जिसके सर के ऊपर छत ना हो, बर्तन वासन ना हो, और आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपसे दरिद्र आदमी हमारे राज में कौन है जिसको मैं दे दूंगा? महर्षि कनाद कहते हैं कि राजन, महर्षि कनाद ने कहा राजा से कि हे राजन, क्या समझते हो हमको इस तरह के लंगोटी छाप देख करके गरीब समझते हो, दरिद्र समझते हो? अरे मेरे पास ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या है कि उस विद्या से हम जब चाहे जितना चाहे सोना लोहा से हम बना सकते हैं। समझा? स्वर्ण सिद्धि विद्या है मेरे पास। कहा कि तो पागल आदमी है, चलो। रथ पे बैठ के वापस चले गए राजमहल। राजा जाके अपने रानी से कहा कि एक पागल मिला, इस तरह की सारी घटना अपनी रानी से सुनाए। तो रानी कहती है आप पागल तो नहीं हो? अरे मुझे पता है कि महाराज कनाद अपने राज्य की सीमा में है और बाहर बैठे हुए वृक्ष के नीचे लोग दिन भर उसके दर्शन के लिए जाते हैं। आप रात में गए होंगे, शाम में गए होंगे, तो शाम में वो भजन ध्यान करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है, और आप उन्हीं को पागल कह रहे हैं? अरे वो महर्षि कनाद हैं। पता किया तो पता चला हाँ वो महर्षि कनाद ही वहां बैठे हुए। तो इसको रहा नहीं गया राजा को, रात्रि के 10 बजे ही वहां से रथ पे बैठ करके फिर पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया, आंखें खोल करके महर्षि कनाद ने कहा कौन हो? कहा महाराज मैं राजा हूँ। कहा इतनी रात में किस लिए आए हो? कहा महाराज कुछ मांगने आया हूँ आपसे। कहा दिन में तो तुम राजा थे, मैं दरिद्र था, इतनी जल्दी तुम दरिद्र हो गए और हम बादशाह हो गए? वाह राजा, तू मांगने आ गया, मैं तो तेरे यहाँ नहीं गया। कहा महाराज बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं राजा हूं और आप विरक्त सन्यासी हैं, आपको धन दौलत की तो कोई लिप्सा अभीप्सा चाहना मांग है नहीं, न जरूरत है आप, आप तो ईश्वर के भरोसे रहते हो महाराज, ईश्वर के भरोसे वाले लोग हैं, तो आपकी तो सारी व्यवस्था ईश्वर की होती है, ईश्वर करते हैं। हम राजा हैं, हमारे ऊपर संसारिक जिम्मेवारियां हैं,
प्रजा का हित करना है, तो प्रजा के हित की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ण सिद्धि विद्या जो आपने प्राप्त की है वह अगर मुझे दे दें, बता दें, तो मैं जितना इच्छा होगा सोना बना बना करके राज्य की जनता की सारी गरीबी दूर कर दूंगा, सबका जीवन सुखमय कल्याणमय बना दूंगा। कहा कि ठीक है, महर्षि कनाद ने कहा ठीक है राजन, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या बता दूंगा, लेकिन उस विद्या को सीखने की कुछ योग्यता है, उस योग्यता को आपको पहले ग्रहण करना होगा। कहा क्या योग्यता है महाराज? कहा कि तुमको 6 महीने तक नियमित खान पान को पवित्र रख करके और मेरे पास आना होगा, और रात आपकी जो है वो मेरे सानिध्य में बीतेगा, भोर होने पर आप अपने महल में जाएंगे, आराम करेंगे, और फिर दोपहर में अपने राज्य का काम संभाल करेंगे, लेकिन रात्रि के 10 बजे नियम से हमारे पास आना होगा और सुबह के 4 बजे तक यहाँ रहना होगा, और जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना होगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। सोना बनाने की विद्या के लिए तो आदमी पूरी रात रह जाए, यहाँ तो 10 से 4 की बात थी। तैयार हो गए, नियम से वो आने लगे। राजा को महर्षि कनाद ने अंतर साधना की विधि बता दी और बैठ करके जप ध्यान वो करने लग गए। करते करते जप ध्यान जब उनके चित्त वृत्ति का सिमटाव हो गया, महर्षि कनाद की कृपा से चित्त वृत्ति के सिमटाव हुआ, पूर्ण सिमटाव के साथ एक बिंदुता की प्राप्ति हुई और अंतः प्रकाश हो गया। अंतः प्रकाश हो गया, परम प्रकाश रूप दिन राति अंतः प्रकाश में पहुंच गए। महर्षि कनाद अपने योग बल से, गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि जैसे एक विद्वान अपने विद्या से दूसरे को विद्वान बना देता है, एक बुद्धिमान अपनी बुद्धि द्वारा दूसरे को धीरे धीरे बुद्धिमान बना देता है, वैसे ही योग साधना में पारंगत संत अपने योग बल से अगर किसी शिष्य को योग्य बना दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो महर्षि कनाद की कृपा हुई और अंतः प्रकाश उनको हो गया। उनके अंतः प्रकाश की स्थिति को देख करके महर्षि कनाद ने कहा कि अब तुम योग्य हो गए हो राजन, अब आओ मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या मैं बता देता हूं, जितना चाहो अब तुम सोना बना लेना, सोना बना लेना। कहा महाराज अब रहने दीजिए। राजा ने कहा महाराज अब रहने दीजिए, अब हमें समझ में आ गया कि संत महात्माओं के पास कौन सी ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या होती है जिस विद्या के प्राप्त कर लेने पर संसार में वो विद्या रहते हुए भी फिर किसी संसारिक वस्तु की चाह नहीं रह जाती है। मुझे अब सोने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। देखिए मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। इस मणि का ये सब गुण है, राम भक्ति रूपी चिंतामणि,
ये जब आया तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अज्ञानता रूपी दरिद्रता उसके जीवन से चली गई और वो लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वो राजा लोभी था ना कि बहुत धन हो जाएगा, तो वहां से भाग भाग करके रात में पहुंच गए और जैसे ही अंत प्रकाश में आया, प्रगति ज्योति ज्योति मह जाता, मन मुख भरम भुलाही, नानक भोर भया मन मानिया, जागत रैन बिहानी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ज्योति प्रकट हो गई, अंतर ज्योत प्रकट हो गई, उस अंतर ज्योत के प्रकट होते ही इस संसार के नश्वरता का, संसार के स्वप्नवत होने का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तो ये संसार नश्वर है, संसार स्वप्नवत है, ये ज्ञान हो गया राजा को। अब मनमुख जो होते हैं वही भ्रम में होते हैं, गुरुमुख हो गया। अब गुरुमुख हुआ तो गुरुमुख का मतलब क्या है? गुरु की सदयुक्ति मिला, गुरु की सदयुक्ति से साधना की और अंत प्रकाश को पा लिया। भक्ति जिसमें अंतर ज्योत और अंतरनाद की साधना नहीं है, वो भक्ति कभी भी मुक्तिदायक नहीं हो सकती। उस भक्ति से भ्रम का नाश नहीं हो सकता, उस भक्ति से संसार में भ्रमना नहीं टल सकता, वो भक्ति आपको आत्मा राम नहीं बना सकता, वो भक्ति आपको परमात्मा से मिला भी नहीं सकता है। इसीलिए ध्यान करते हैं कि चित्त वृत्ति का सिमटाव हो जाए, लोभ बात लोभ रूपी हवा आपके ज्ञान को, वो ज्ञान रूपी दीपक जो उसके अंदर जल गया उसको वो बुझा नहीं सकती लोभ, उस प्रकाश को कोई लोभ की हवा छू नहीं सकते। उसमें एक और महिमा क्या है ध्यान से समझ लीजिए, हार है सकल सलब समुदायी। सलभ समुदाय का मतलब होता है कीट पतंग आदि, पतंगे जो रात में दीपक जलाने पर, लाइट जलाने पर वो जो कीड़े पतंगे आकर के हमें परेशान करते हैं, कहते हैं उस मणि के प्रकाश में जैसे बाहर का दिया जलता है, दिवाली का दिया जलेगा मिट्टी का, देखिएगा सुबह उसमें कितने कीड़े मरे होंगे सुबह सुबह, कहते हैं उसी तरह से अंदर का दिया जब जला तो उस दिए में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष ये जो कीड़े पतंगे हैं वे सब के सब उसमें जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसका फल यही होता है खल कामाद निकट नहीं जाही और बसही भगति जाके उर माही। सब कीड़े पतंगे जल के खत्म हो गए हैं, किसी तरह का विकार उसको परेशान नहीं करता है। जो हृदय विकार मुक्त होगा ना वो हृदय बड़ा शांत होगा, ऐसा हृदय जिसमें क्रोध नहीं उठे, लोभ नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, काम आदि नहीं हो, वो सोचिए वो हृदय कितना शांत होता होगा, कितना सुखद होता होगा। वो तो वही अनुभव करेगा जिसको सो जा नहीं जही बनी आई, जो उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं वही जानेगा। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि भक्ति ऐसी हो कि अंत प्रकाश की प्राप्ति हो जाए, गुरु ऐसे हो जो यही भेद बता दे। इसीलिए गुरु की महिमा इसी में है कि ऐसा ज्ञान दे जिस ज्ञान से प्रकाश हो जाए, अंदर का अंधकार दूर हो जाए, अंत प्रकाश हो जाए और अंतर्नाद मिल जाए, अपरम पिता परमात्मा मिल जाए, जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाए। अच्छा दुर्गा माता और परमात्मा में क्या अंतर है इसको भी समझिए, कुछ तो अंतर होगा ना। दुर्गा माता और परमात्मा में क्या फर्क है इसको समझिए। लिखा है तुलसीदास जी महाराज, हम याद दिलाते हैं, सुने भी होंगे आप लोग। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ईश्वर जो है ना परमात्मा, राम काम सत कोटि सुभग तन
और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, मतलब करोड़ों दुर्गा के समान शत्रु का नाश करने वाले हैं। एक दो दुर्गा नहीं, करोड़ों दुर्गा। और दुर्गा है कौन? महिषासुर को मारने में सब देवता हार गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए, सब निराश हो गए, तब सभी देवी देवताओं के भीतर से, मतलब 33 करोड़ सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सबके भीतर से जितनी जितनी शक्तियां सब में थी ना, वो सब शक्ति बाहर निकली। अब बाहर निकल करके देखिए ये शक्ति कैसी है, इसको भी समझिए। अब ये मत समझिए कि विष्णु भगवान के भीतर से शक्ति निकली तो वो खाली हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। जैसे एक मोमबत्ती जल रही हो, मोमबत्ती, और उससे दूसरी मोमबत्ती आप जला लीजिए, जिसमें उसमें कम प्रकाश आएगा, इतना प्रकाश उसमें भी आएगा कि नहीं, तो वो घटा नहीं घटा, वो नहीं घटा, वो उसमें उतना ही प्रकाश रह गया। वैसे ही जितनी शक्तियां जिनमें थी वो सब शक्तियां निकली और एक जगह एकत्रित हो गई, वही हो गई है दुर्गा। अब समझिए उनमें कितनी शक्ति होगी, ध्यान से सुनिएगा, उनमें कितनी शक्ति होगी कल्पना कीजिए। और ईश्वर कैसे है, परमात्मा कैसे है, करोड़ों दुर्गा के समान है। ये तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, और संत पलटू साहब क्या कहते हैं, सो सुनिए, ये तो तुलसीदास जी कहते हैं करोड़ों दुर्गा के समान, और संत पलटू साहब की वाणी क्या है, वो क्या कहते हैं, कोटि देवी जहां खड़ी है चेरिया, ईश्वर के दरबार में करोड़ों दुर्गा दासी बनकर के खड़ी है, समझिए। लेकिन ये उदाहरण भी कैसा है, करोड़ों दुर्गा के समान ईश्वर को कहना, ये कैसा है, निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमी खद्योत सम, जिमी कोटि खद्योत सम कहत रवि अति लघुता लहे। कोई कह दे कि 100 करोड़ जो जुगनू है वैसा ही सूर्य है, सही होगा ये, नहीं सही होगा। 100 करोड़ जुगनू के बराबर सूर्य को कोई कहे, ये सूर्य का उपहास है। ऐसे ही 100 करोड़ दुर्गा के समान ईश्वर को कहना, ये ईश्वर का उपहास है। तो ये सत्संग और ध्यान से ईश्वर मिल जाते हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्गा माँ का प्रसन्न होना कौन बड़ी बात है, ये कितना बड़ा काम है सत्संग और ध्यान। इसलिए सत्संग और ध्यान बड़ी श्रद्धा से लोगों को करनी चाहिए। कर्म का फल जो मिटता है वो बिंदु ध्यान करने से मिटता है। बिंदु ध्यान करने से अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और प्रकाश में जाने के बाद त्रिकुटी मंडल तक प्रकाश मंडल है, और उसके बाद है शब्द मंडल, सुन धसी श्रुति शब्द समझते हो, वहां पर शब्द मिलता है, वहां जो शब्द मिलता है वही है असली दुर्गा। ध्यान से सुनिए, ये जो मूर्ति बनाते हैं हम लोग, ये तो नकली है मूर्ति, असली है वो। ये कहां लिखा है, ये लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, आ हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में भी दिया है, पढ़िएगा। शब्दात्मिका सुमिलर जुषा निधानम उद्गीत रम्य पद पठम च सामनाम, देवी त्रयी भगवती भूभाव नाया वार्ता च सामनाम परमार्थ त्रिहंत्री। ये दुर्गा माँ कौन है, शब्दात्मिका, शब्द ही जिनकी आत्मा है। तो कौन सा शब्द, वही शब्द अनहद शब्द, अनहद शब्द, या उसके ऊपर है सार शब्द अनाहत शब्द, यही दुर्गा, असली दुर्गा यही है, असली दुर्गा यही है। अच्छा, पार्वती थी 9 रूपों में, नाम दुर्गा हुआ, नाम दुर्गा क्यों पड़ा, कारण क्या है, एक राक्षस था महिषासुर, महिषासुर उसका असली नाम था हुडुर दुर्ग, हुडुर
ये संथाली नाम है, हुडुर आदिवासी लोग का नाम भी ऐसे ही तरह का होता है। तो ये हुडुर दुर्ग उनका नाम था असली महिषासुर का, ये आदिवासियों के आराध्य कहलाते हैं। हुडुर दुर्ग महिषासुर, तो उसका जो वध किया है शक्तियों ने, इसीलिए नाम पड़ा है दुर्गा। इसलिए गाते भी भजन भी गाते हैं, दुर्ग विनाशनी दुर्गे जय जय। उसी दुर्ग हुडुर नामक हुडुर दुर्ग का जो वध किए हैं तो नाम हो गया है दुर्गा। ये तो दुर्ग वहां था, एक महिषासुर था, और यहाँ कौन दुर्ग है इसको भी समझिए। पदावली में हमारे सद्गुरु महाराज कितना अच्छा लिख दिए, वहां तो राक्षस का नाम था दुर्ग, यहाँ अपने परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं काया दुर्ग। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। काया मतलब क्या होता है, शरीर ही दुर्ग है, एक ही शरीर है, एक ही शरीर नहीं है, पांच शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य शरीर, पांच शरीर है। पांचों शरीर रूपी दुर्ग से निकल जाना ही असली दुर्गा पूजा है, यही है। कैसे निकलिएगा, वही जो शब्दात्मिका दुर्गा है उसी शब्द की जो उपासना करेंगे। हमारे सद्गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, परमाराज सद्गुरु महाराज स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, सुखमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। सुखमन तिल में क्या होता है देखिए, ब्रह्म ज्योति, उसके बाद ब्रह्मनाद, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे न्यार। तन में पिल, अब पांचों तन पारा, यही है दुर्गा की उपासना है, यह दुर्ग का नाश कर देना है। तो जो बिंदु ध्यान करेंगे और नाद ध्यान करेंगे तो ये पांचों शरीर रूपी दुर्ग को वो पार कर जाएंगे, गोया ये नष्ट हो जाएगा, उनका नष्ट हो जाएगा, यही है दुर्गा पूजा। एक संत हैं गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस, ये सहरसा महिषी में बनगांव महिषी के, वो कहते हैं चंचल चित्त को धीर कर, चंचल चित्त को धीर कर चौथी में चित लाओ, अचंद सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। ये जो चिंतामणि भक्ति रूपी चिंतामणि आपको कहाँ मिलेगा, तो वो कहते हैं चौथी में चित लाओ। चौथी में चित जब पहुंचा तब चंद्र सुधारस, चंद्र सुधारस चखने के लिए मिलेगा। चंद्र सुधा किसको बोलते हैं, अमृत, अमृत पान करने का अवसर मिलेगा आपको, अचिंतामणि पद आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां किसी तरह की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चंचल चित्त को थिर कर, चंचल चित्त को थिर करना होगा, स्थिर करना होगा। हमारे परमाराध गुरु महाराज क्या कहते हैं, चित्त अति चंचल विषय रत केवल। हमारा चित्त बड़ा चंचल है, किधर रहता है ये, विषय रत केवल, उधर ही रहता है। जो चित्त विषय में रत रहता है सदा चंचल रहता है, और इतना चंचल, इतना चंचल कि आप सुने हैं, सुने ही होंगे कि उड़ता कुश हजार पंख बिनु पलक में, इतना चंचल है, बिना पंख के हजार कोस एक क्षण में उड़ के चला जाएगा और चला आएगा। ये मन कैसा है, यही है महिषासुर। कहते हैं कैसा है ये आपका मन, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल
तोड़ रे, असुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे, जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोर रे। देखिए, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। अभी हम लोग नवरात्रि में है ना, नवरात्रि में है कि नहीं, नवरात्रि चल रहा है। तो ये जब नवरात्रि में हम लोग हैं, अब विजयादशमी आएगा तो क्या होगा? विजयादशमी में, नवरात्रि के बाद विजयादशमी होगा ना, तो ये नौ शरीर का, जो शरीर का नौ द्वार है, इस नौ द्वार में जब आप रहिएगा तो नौ द्वार में रहने वाला रात्रि में रहता है ना। इस तन के नौ द्वार में घोर अंधकार सूरत पड़ी है मझार, गुरु महाराज कहते हैं ना, तन के नौ द्वार में जो रहेगा वो नवरात्रि में ही रहेगा, वो रात्रि में रहेगा, वही नवरात्रि, अंधकार में रहेगा। आंख बंद करते हो अंधकार देखते हो, अंधकार दिख रहा है, अब इस अंधकार में रहने वाला वो कहाँ रहेगा? महिषासुर का बल, असुर का बल कहाँ बड़ा होता है बताइए तो? असुर का बल बड़ा होता है रात्रि में, रात्रि में असुरों का बल बढ़ जाता है। महाभारत में भी दिया था, घटोत्कच जब लड़ने आता है तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप कर्ण, तुम अपने अमोघ शक्ति का उपयोग करो, जब दिन के उजाले में ये इस तरह का कर रहा है तो जैसे जैसे रात्रि आएगी तो ये असुर है, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, तो ये तो रात्रि भर में सेना समाप्त कर देगा। तो अंधकार है तो ये रात्रि है, रात्रि में असुर का बल बढ़ा रहता है, और असुर रात्रि में बढ़ा हुआ शक्ति वाला था, उसको कोई देवी देवता हरा सका था? महिषासुर को नहीं हरा सका, कोई नहीं हरा सका, कोई नहीं हरा सका महिषासुर को। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, अंधकार में ये मन की प्रबलता बढ़ी रहती है, और ये मन महिषासुर है, यही मन ही महिषासुर है। अंधकार काला, महिष भैंस काला, और अंधकार में हमारा मन काला। काला मतलब क्या होता है? पाप कर्मों की ओर भागने वाला, विषय की ओर भागने वाला, निर्विषय की ओर नहीं जाता, राजसी है, तामसी है, सात्विक नहीं है, इसकी प्रबलता रहेगी तो अंधकार में रहिएगा तो मन रूपी महिषासुर प्रबल रहेगा। आप मनुष्य की बात कौन कहे? सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ नावे चूररी। लेकिन लेकिन आपको अपने अंदर में दुर्गा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आपके अंदर में शक्ति के रूप में स्थित है। कौन? उस शक्ति, वो अभी बिखरी हुई है, उस बिखरी हुई शक्ति के कारण आप कमजोर हैं और ये मन आपके ऊपर हावी है, न चाहते हुए भी आपसे पाप वो करा लेता है, बलात् कराता है। तो क्या कीजिए? तो उधर चलिए जिधर मन कमजोर हो और आप ताकतवर हो जाए। तो शक्ति की उपासना क्या है? इसलिए तो है, शक्ति की उपासना कीजिए। हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, पढ़े हैं ना, विन्दुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। और शैव दर्शन में तो शैव दर्शन जो है शिव पुराण, उसमें पढ़िए, उसमें लिखा है माता देवी शक्ति रूपा नाद रूपा पिता शिव। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहाँ हमारी शक्ति जो है बिखरी हुई है? नौ द्वार में, संपूर्ण शरीर में हम कमजोर हैं। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं बहुत बलवान आदमी भी रहेगा ना, और उस आदमी को अगर
कोई एक पैर इधर, कोई एक पैर उधर, कोई एक हाथ उधर, कोई एक हाथ उधर, गर्दन कोई उधर, पांच आदमी मिलके पांचों तरफ खींचे तो उस आदमी का कोई शक्ति शरीर में काम नहीं करेगा। लेकिन वो पांचों से छूट करके खड़ा हो जाए और दोनों हाथ से किसी एक को कस के पकड़ ले तो अपने पूरी शक्ति दोनों हाथों के माध्यम से उस आदमी पर लगा देगा और वो शक्ति को वो अनुभव भी करेगा। और पांच तरफ पांचों खींचेगा तो कुछ अनुभव नहीं, तो पांचों कुतिया राम की ये पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच विषयों की ओर हमको खींच रहे हैं और हम भगवा के बचवा बिलैया ले ले जाए कोई देखो लोगो। हम कमजोर पड़े हुए, असहाय पड़े हुए हैं, कुछ नहीं चलता है। काम का वेग आता है खींच के ले गया, क्रोध का वेग आया खींच के ले गया, लोभ का वेग आया खींच के ले गया, हम एकदम असहाय निसहाय अशांत पड़े हुए हैं। कुछ पर हमारा बल नहीं चल पा रहा है, क्या करें, विकार हम पर प्रबल है, मन हमको नाना नाच नचा रहा है। कहते हैं लड़ना है ना, गुरु की ओट लो बच्चो, गुरु की ओट रे, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु सदयुक्ति देंगे और सदयुक्ति दे करके साधन सिखा देंगे, कहेंगे आराम से बैठो, खूब अच्छी तरह से मंत्र का जप कर लेना, फिर इष्ट रूप का ध्यान कर लेना। इष्ट रूप का ध्यान कुछ देर करने के बाद मनी मन प्रणाम करके छोड़कर, और तब देखिए चित्त का सिमटाव कर रहे हैं, चंचल चित्त को थीर कर, पहले मंत्र जप के द्वारा, उससे ज्यादा सिमटाव हुआ मानस ध्यान के द्वारा, और पूर्ण सिमटाव कहाँ होगा, योग चित्तवृत्ति निरोधः, एक दृष्टि समसरिकारी जाने जोगी कहिए सोई, जोगी जुगति जोग कमावहु, सुषुम्ना घर बैठ साधन सहज ध्यान लगावहु। जब दृष्टि की युगल धारों को दृष्टि योग करते हुए एक बिंदु पर केंद्रित कर दीजिएगा, यानी दोनों दृष्टि की धारें आकर आपस में मिलकर एक बिंदुता को प्राप्त कर लेगी, तो संपूर्ण शरीर से पहली बिखरी चेतन की धार से मटकर दसवें द्वार में केंद्रीभूत हो जाएगी, ऊर्ध्व गति अंधकार से प्रकाश में हो जाएगा। अब आप महिषासुर का मर्दन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लीजिएगा, आप में शक्ति आ गई, अब आपको विकारों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परम प्रकाश रूप दिन राति। अब आपको प्रबल अविद्या, तम अविद्या का प्रबल अंधकार आपको भ्रमित नहीं कर सकता, आपको गिरा नहीं सकता है। इस नगरी में तिमिर समाना भोल भरम हर बार, अब भोल भरम अब नहीं होगा, क्योंकि आपने खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु सतगुरु का चरण सेव कर भक्त भेद पा लेता है। दृष्टिवान हो जाइएगा आप, दिव्य दृष्टि खुल गई, अंधकार हदस भागी, प्रकाश मंडल में चले गए आप। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रकाश मंडल में जाकर के साधक बढ़ता हुआ जब अपने अंदर के त्रिकुटी में पूर्ण सूर्य का दर्शन करता है, वह पूर्ण सूर्य का दर्शन जिसको छठी भक्ति भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति के क्रम में कहा, वही प्रकाश वास्तव में परम प्रकाश है जिसमें प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हारे सकल सलभ समुदाय। वो जब प्राप्त हुआ तब आपके अंदर से विकार गए। कहते ने जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो तिव लोका, बहुतन सुख बहुतन मन सोका, जिने सोक ते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, प्रबल अविद्या तम मिट जाए, सब खत्म, काम बात सब समाप्त, कोई तरह का विकार की प्रबलता अब आप पर हावी नहीं हो सकता है, उसको पाइए। इसलिए कहा चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाओ। चौथी में चित लाने के लिए मतलब तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और चौथी अवस्था कहते हैं तुड़ी अवस्था। तुड़िये में अपने आप को ले जाइए, तीन अवस्था, तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत, तीन अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए, चौथी अवस्था में जाने के लिए दृष्टि योग की साधना कीजिए, और दृष्टि योग की साधना में
चंचल चित्त पूर्ण स्थिर हो जाएगा और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था प्रकाश मंडल में आप पहुंच जाइएगा। और प्रकाश मंडल में पहुंच करके प्रकाश मंडल का केंद्र त्रिकुटी, वहां पूर्ण सूर्य का दर्शन होगा। इसी में गुरु महाराज जी कहते हैं, उस अवस्था में जाने के बाद आप उसी, अब आपको कोई विकार नहीं सता सकता है, आप शक्तिशाली हो गए हैं, मन की प्रबलता आपके सामने कमजोर हो गई है। और दुर्गा देवी के लिए क्या कहा है उसमें, जो दुर्गा सप्तशती है उसमें हमने कहा ना, माता दुर्गा के लिए क्या कहा, उनका स्वरूप कैसा है, शब्दात्मिका सुमिलर्ग जुषा निदान निधान मुदगित रम्य पदिपाठ पताम च साम नाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ताम च जगताम हंत्री। हे देवी, शब्दात्मिका है, शब्द ही आपकी आत्मा है, तो शब्दात्मिका देवी का स्वरूप है और शक्ति स्वरूपा बिंदु और उनका मूल स्वरूप शब्दात्मिका। तो बिंदु की प्राप्ति से पिंड से ब्रह्मांड में चले गए, आपकी सारी शक्ति आपके अंदर जग गई, शक्ति एकाग्र हो गया, प्रकाश की प्राप्ति हो गई, तो आप में कितनी शक्ति आ जाती है। प्रकाश मंडल में पहुंचा हुआ साधक अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो जाते हैं, स्वयं देवता के स्वरूप हो जाते हैं। अब मन कब मरता है, मन मरता है सम के साधन से। मन किम सम किम इंद्रिय मनो निग्रह, मन के निग्रह से। तो शब्दात्मिका सुमिलर्ग, शब्द साधना किए, शब्द को परखा, मन निग्रह किससे होगा, गुरु महाराज कहते हैं सम के साधन से समता आती है। और समता कब आएगी, जब तक मनोलय नहीं होगा तब तक समता नहीं आएगी। मन मर जाई है डूबी की हो मानिक परखे सोई, तो क्या होगा। मन के लिए भी लिखा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया तिनके परे रंकार की ठोर। परम प्रकाश में मन पूरी तरह से, मन का नाश कब होता है, जब से अनहद घोर सुने इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। जैसे ही सूरत शब्द में संलग्न हुआ कि मनोलय हुआ, मन की उत्पत्ति जहां से हुई मन वहां गया, उसमें लय हो गया, मन मर गया, मन के खोल से चेतनात्मा मुक्त हो गई, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तो दुर्गा माता का सही स्वरूप आपने पा लिया और उसको पाते ही आप मुक्त हो गए। आसिद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद्भव, नादात शक्ति समुद्भव, जिसने अपने अंदर में बिंदु को पाया वही नाद को पाया, नाद को पाने वाला उस शक्ति को पाया जिससे उसने मन रूपी महिषासुर को मार दिया। चिद रूपा महेशानी, उस चैतन्य रूपी महेशानी को प्राप्त कर लिया। ईश्वर की अर्धांगनी, ईश्वर के संग रहने वाला, ईश्वर के नजदीक का कौन है, चेतन है। चेतन मंडल ईश्वर के साथ का है, इसीलिए वो अर्धांगिनी है शिव की। तो हम उस देवी के स्वरूप हैं, उस शब्द को ग्रहण किए और क्या हो गए, हम लोहा से सोना हो गए। सार शब्द पारस है मन है मैला लोह, पर सत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। तो शक्ति की उपासना वास्तव में यही उपासना है, जिस उपासना से पहले विचित्र वृत्तियां या पहले विचेतन की धारों के कारण हम जो कमजोर पड़े हुए हैं, उस पहले विचेतन के धार को समेट करके और दसवें द्वार में अंधकार से प्रकाश में पहुंचा देना, यही विजयादशमी मनाना है। विजयादशमी वास्तव में यही है, अने तो 9 दिन तक तो आप रह जाइएगा, 9 दिन
अगर 9 दिन आपने ठीक है व्रत लिया, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, मांस मछली आदि छोड़े तो कुछ दिन तो पाप को त्यागे कि नहीं। 9 दिन में मुर्गा खाते तो कुछ तो पाप फिर बढ़ जाता ना, कुछ पाप तो छूटा 9 दिन तक के लिए, कम से कम लाभ तो होगा ही। लेकिन 10वें दिन आप विजयादशमी मनाने की जगह फिर मुर्गा खोजने लगते हैं, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन से मुर्गा मुर्गा करते हैं। यही ये इसीलिए होता है कि आपने विजयादशमी नवरात्रा तो कर लिया लेकिन विजयादशमी आप नहीं मना पाए, आपकी स्थिति विजयादशमी में नहीं पहुंचे, आप दशमी में जाइए। दशमी 10 इंद्रिय संयम करो कहे तुलसीदास, 10 इंद्रियों को संयम कीजिए, 4थी अवस्था में चलिए, तब विजयादशमी होगी और तब आपको कोई पाप अब छू नहीं सकता है। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हारे सकल सलब समुदाय, सारे विकार आपके छोड़ के भाग जाएंगे आपके। निशी अंधियारी हदस भागी, पाप भाग गया, अग उलूक जाता लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, पाप रूपी उल्लू सूरज के प्रकाश में नहीं टिक सकता। वैसे ही परम प्रकाश अंदर का जिसने प्राप्त किया उसके जीवन में पाप नहीं रह जाता है, सारे आप निर्मल हो गए। इसलिए ये राम भक्ति रूपी चिंता मणि, भक्ति इतनी नहीं कि माला लिए फेर लिए फूल पुष्प चढ़ा दिए, यही भक्ति खत्म नहीं होती है, यहाँ तो भक्ति की तैयारी होती है, भक्ति की तैयारी हो रही है, भक्ति का शुभारंभ तो होगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए संत की महिमा गाते हुए कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते हैं गरुड़ जी कहते हैं कि राम से बढ़कर के राम समुद्र की तरह है, राम खारे हैं लेकिन वो भक्त संत जो हैं वहीं से निकलते हैं और आकर के संसार में मीठा बादल बनकर के बरसते और संसार को लहलहा देते हैं, संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं, अपने ज्ञान से उनके अंदर के विकार का नाश कर उनको आनंद से भर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। तो संत का महिमा यही है कि वो इस संसार में आते हैं और क्या करते हैं, मानव कर दीपक दिया, संशय भ्रम सब जाई, अर्थात मायाबद्ध जो ये जीव था माया से मुक्त होकर के परमात्मा से मिला करके परमात्मा ही हो गए। तो ये साधना करनी है, इसी को कहा सो जाने जे देह जनाए जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। गुरु महाराज कहते हम प्रभु प्रभु हमें कही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। तो उनके जो स्थिति है संत की और जो ज्ञान उन्होंने हम लोगों के बीच रखा है, सद्गुरु महाराज संत हैं, उसी ज्ञान को सरलतम ढंग से हम लोगों के कल्याण के लिए कहे हैं, इसको ठीक ठीक समझ बूझ के साधन करना है, सफलता अवश्य मिलेगी, जो लगे रहेंगे जरूर पहुंचिएगा, यही असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए सब यहीं छोड़ जाइएगा और यही भक्ति जो है साथ ले जाएगी। इसीलिए संसार और परिवार के लिए भी कीजिए पर अपनी आत्मा का ख्याल आप हरदम रखिए। इसका साथी क्या है, सत्संग ध्यान और सत्कर्म। आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च, सत्संग ध्यान और सत्कर्म में जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं आप सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगा कि सबका भक्ति में जीवन सुखमय हो, आप सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई, आप लोग बहुत ध्यान से इस प्रवचन को सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको कमेंट में जय गुरु महाराज लिख सकिएगा तो लिख दीजिएगा। आप सबके लिए पुनः शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।